सांबा में आतंकियों ने सुरंग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा में की थी घुसपैठ। बीएसएफ अधिकारियों ने कहा पर्याप्त सबूत है कि आतंकियों ने घुसपैठ के लिए 2x2 सुरंग का लिया सहारा। उरी हमले में विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी, हम तो उनकी घरेलू जांच के लिए भी तैयार, उन्हें डीएनए फिंगरप्रिंट्स मुहैया कराएं। पाकिस्तान ने सिर्फ किया प्रोपेगेंडा, पहले सीमा पार आतंकवाद को बंद करें फिर हम करेंगे बात। नगरोटा में शहीदों को देश दे रहा है अंतिम विदाई, महाराष्ट्र के पंढरपुर में मेजर कुणाल और धौरपुर में ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ उमड़ी। घर में रखे सोने पर घबराने की जरूरत नहीं, सरकार जब्त नहीं करेगी घर में रखा सोना। वित्त मंत्रालय ने जारी की सफाई, शादीशुदा महिलाओं को 500 ग्राम, अविवाहित लड़कियों को 250 ग्राम गोल्ड रखने की छूट, विरासत में मिला सोना नहीं होगा जब्त। सौ के पुराने नोट कल तक पेट्रोल पंप हवाई टिकट के लिए होंगे मान्य, पहले 15 दिसंबर तक डेडलाइन थी, 2 तारीख के बाद सिर्फ बैंक में बदल सकेंगे। एलपीजी सिलेंडर्स के लिए भी 500 के पुराने नोटों पर छूट जारी। भुवनेश्वर में इंडियन इकोनॉमी के सेमिनार में बोले वित्त मंत्री जेटली, नोटबंदी के बाद बैंकों के पास आया पैसा, नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल करेंसी बढ़ जाएगी, छपी हुई करेंसी बाहर आना बड़ी बात। आज भी नोटबंदी की बेट चढ़ी सदन की कार्यवाही, राज्यसभा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में विपक्ष का हंगामा, दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। उत्तर प्रदेश की लोक गठबंधन पार्टी की मोदी सरकार से मांग, नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा पैसों को गरीबों पर खर्च करें, सियासी दलों की फंडिंग सार्वजनिक हो। लखनऊ में ट्रायल पर दौड़ गई मेट्रो, सीएम अखिलेश ने दिखाई हरी झंडी का, जनता ने जिताया तो वाराणसी में भी दौड़ेगी मेट्रो, मायावती बोली जल्दबाजी में ट्रायल किया है तो केशव प्रसाद मौर्य बोले अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं विज्ञापन मंत्री हैं। अब जियो ग्राहक अगले 31 मार्च तक फ्री डेटा का कर सकेंगे इस्तेमाल, मुकेश अंबानी ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर का किया जनता के लिए ऐलान। और चेन्नई में तेज बारिश, नाडा तूफान के अंदेशे के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में अलर्ट, एहतियातन एनडीआरएफ की टीमें तैनात, बीच समंदर में फंसे तमिलनाडु के 5 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने बचाया।